जय हिंद साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं PQRS क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें देखेंगे हम लोग कैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके होते हैं और सभी तरीके आपके क्वेश्चन में लग सकते हैं, इसलिए मैं जो रूल बता रहा हूँ यहाँ पर आपको पूरी तरह उसी तरह से करने हैं आपको, ठीक है। चलिए, क्लास अच्छा लगेगा आपको अगर तभी लाइक करना, नहीं तो लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको लग जाए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली क्या है, सेंटेंस आपका S1 जो है ये सेंटेंस फिक्स है, पहला सेंटेंस है, और S6 जो है लास्ट का सेंटेंस है। बस आपको PQRS को मैच करवाना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है, वही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉइल इज एन इनवैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल कैसा है, इनवैल्यूएबल है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अब उसके बाद सेंटेंस कौन सा आपका हो सकता है, यहाँ पर देख लीजिए। ऑन द अदर हैंड द टाइप ऑफ सॉइल डिटरमाइन द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन। अब ऑन द अदर हैंड आ गया यहाँ पर, तो ऐसी कोई बात पहले नहीं हुई है, इसलिए ऑन द अदर हैंड का यूज़ नहीं करेंगे आप लोग। तो आगे यूज़ क्या कर सकते हैं, आगे देख लेते हैं कि द सॉइल एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ रीजन आर इंटरडिपेंडेंट। देखो, ये आपका हो सकता है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि देखो ये तो कह रहा है क्या, सॉइल और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि जीव जंतु जो है, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, ठीक है। आगे है ऑन द अदर हैंड वाला नहीं होगा अभी। अब आगे देखते हैं इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। इट प्रोवाइड ने क्या, सॉइल हम लोगों के लिए। सॉइल कैसा है, इनवैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि हम लोगों को यह प्रोवाइड क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर द प्लांट्स के लिए, ऑन विच वी आर डिपेंड फॉर फूड, जिस पर हम लोग फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। यानी कि एस आपका सेंटेंस एस से स्टार्ट हो सकता है। अगर एस से स्टार्ट हो सकता है तो आपका आंसर बी भी हो सकता है और आंसर सी भी हो सकता है। अगर आपका आंसर बी होगा तो एस के बाद मुझे पी लेना पड़ेगा और पी मैच करना चाहिए। यानी इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द प्लांट ऑन विच वी डिपेंड फॉर फूड। ऑन द अदर हैंड द टाइप ऑफ सॉइल डिटरमाइन द फ्लोरा एंड फौना। देखिए, ये भी आपका अभी लग रहा है हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर क्यों पर आते हो, एक बार देखते हो कि द सॉइल एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ रीजन आर इंटरडिपेंडेंट। अब सॉइल के बारे में चर्चा यहाँ पर है, तो उसी के बारे में भी चर्चा होगा, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर, यानी कि इसके बाद क्या मैच करेगा मेरा, तो देखो अब फूड के बारे में बात चल गया है यहाँ पर, यानी कि देखो फूड के बारे में बात चल गया जो हम लोग डिपेंडेंट हैं उस पर, यानी कि सॉइल और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या है, ये किस पर डिपेंड करता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करता है, उस रीजन के एक दूसरे पर डिपेंड करता है। यानी एस के बाद आप क्यों लोगे, आप पी तो मैच कराने, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। अब देखो, एस के बाद मैंने क्यों मैच करवा दिया, उसके बाद आर मैच करेगा, आर मैच कर जाएगा तो पी भी मैच करना चाहिए। अब देखो यहाँ तो मैंने कर लिया, क्यों मैंने कर लिया, अब देखो क्यों के बाद क्या आ जाएगा, आर दिया यहाँ पर, तो आर देखो आर में क्या है, ऑन द अदर हैंड सॉइल इज अफेक्टेड बाय द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन। सॉइल किस कैसे अफेक्ट होता है, उस रीजन का, उस क्षेत्र का कैसा पेड़ पौधा है, यानी कि फ्लोरा एंड फौना मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, फ्लोरा एंड फौना, उस रीजन का कैसा है पेड़ पौधा, ठीक है, उस पर सॉइल डिपेंड करता है, बिल्कुल सही कर रहा है। उसके बाद पी है, ऑन द अदर हैंड द टाइप ऑफ सॉइल डिटरमाइंस द फ्लोरा एंड फौना ऑन द रीजन। अब देखो ये तो बात है कि सॉइल भी डिपेंड किस पर करता है, उस रीजन का कैसा पेड़ पौधा है, लेकिन सॉइल का टाइप भी डिपेंड करता है कि उस डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है कि उस क्षेत्र का कैसा पेड़ पौधा होगा, फ्लोरा एंड फौना होगा उस रीजन का, बिल्कुल सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। देखो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि एक भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, वहाँ से आप ऑप्शन पकड़ लो। ऑप्शन पकड़ने के बाद आप क्या करो, उसके बाद जैसे कि मैंने एस पकड़ लिया, एस के बाद मैंने पी मैच करवा के देखा, नहीं मैच करा, मैंने आंसर मैंने काट दिया, आपका आंसर एक तो नहीं हो जाएगा, ऑप्शन आपको तीन ही बच जाएंगे आपको उस कंडीशन में। फिर मैंने क्या कर दिया, मेरे पास ऑप्शन तो दो ही था, या तो बी या तो सी, अगर एस से स्टार्ट होगा तो। एस के बाद मैंने क्या, पी मैंने काट दिया, तो एस के बाद मैंने क्यू मैच करा, तो क्यू मेरा मैच कर गया, उसके बाद आर ही मैं मैच कर गया, पी मेरा मैच कर गया, तो मैं इस तरह से आंसर भी निकल गया। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है, बहुत ही बेस्ट तरीका होता है ये, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है। सविता वाज लोनली इन द हाउस। सविता क्या है, घर में अकेली थी। सी वाज वेरी गुड एट दैट। अब देखो, अगर मान लो घर में अकेली थी, अगर मैं बहुत उस चीज़ में बहुत अच्छा है, किस चीज़ में, जब किसी चीज़ के बारे में बात होगा तभी तो गुड एट होगा ना। लेकिन यहाँ पर आपका सेंटेंस इसके बाद तो होगा नहीं आपका पी अभी। आगे देखते हैं, सी सैट ऑल डे इन अ लिटिल रूम इन द मेन ड्रॉइंग रूम। वो पूरे दिन क्या करती थी, तो उस घर में क्या करती थी, अकेले वो बैठ रहती थी।
देखो बिल्कुल सही है आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है। अभी क्या देखियो, अब वो अकेली थी तो वो पूरे दिन क्या थी तो वो अकेले रूम में ड्राइविंग रूम में बैठी थी। आपका आंसर सेंटेंस क्यू से स्टार्ट हो सकता है। सी वुड सिट ऑन द रग एंड डू नीडल वर्क। देखो अब वो क्या करती थी, वो अब उस पर रग मतलब क्या होता है, कम्बल होता है, कम्बल बैठती थी और उसने सुई धागे वाला काम करना। नीडल वर्क मतलब क्या हुआ, सुई धागे वाला काम करना। अब देखो यहाँ पर द रग यूज कर दिया गया है तो क्या आप यूज कर सकते हो अभी? द रग तो होगा नहीं, रग मतलब क्या कम्बल होता है जो बिछाने वाला होता है, ठीक है रग। अब ए रग यूज करना पड़ेगा मुझे, तब तो द रग यूज करेंगे ना। सेंटेंस आगे पढ़ के देख लेते एक बार। इट वॉज अ लिटिल रूम विद अ नथिंग इन इट। रूम में क्या था, रूम बहुत छोटा था लेकिन उसमें कुछ था नहीं, लेकिन उसमें क्या थे, कुछ चेयर थे और ए रग था। अब ए रग कर दिया गया यानी कि ए रग के बाद ही आप द रग यूज करोगे ना, आप आर्टिकल आप ग्रामेटिकल रूल से, यानी कभी भी आएगा तो एस के बाद ही आर आएगा, ठीक है। इसलिए आपका सेंटेंस क्या होगा, आर भी नहीं होगा, एस भी नहीं होगा, यानी कि आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा इसमें, बेस्ट मैच करेगा क्यू मैच करेगा। तो क्यू वाला बस आपका आंसर बी भी है, तो आप अभी आंसर ये भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, लेकिन कंफर्म करने के लिए पूरा सेंटेंस करेंगे। अब सेंटेंस को मैं पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार। देखो जब भी आप ऐसा करना, एक बार सेंटेंस को मैच कर लेना, उसके बाद दोबारा पढ़ के देख लेना इस ऑर्डर में सेंटेंस आपका आंसर मैच कर रहा है, मीनिंगफुल हो रहा है नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं क्या है इसका। सविता वॉज लोनली इन द हाउस। सविता घर में अकेली थी। सी सैट ऑल डे इन अ लिटिल रूम इन द मेन ड्रॉइंग रूम। देखो बिल्कुल सही है, यहाँ पर अकेली बैठती थी छोटे से रूम में और मैं कहाँ पर, मैं ये ड्राइंग रूम में, ठीक है बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद एस मैच करेगा। इट वॉज अ लिटिल रूम, रूम कैसा था, तो छोटा सा रूम था जिस रूम में बैठी थी वो, उसमें कुछ था नहीं, कुछ चेयर थे और एक रग था, बिल्कुल ठीक है। अब उस पर क्या करती थी, बैठती थी वो और नीडल वर्क करती थी। अब देखो इसका मतलब क्या है, नीडल वर्क करती थी। सी वॉज वेरी गुड एट, मतलब किस में, ये नीडल वर्क में, जो कि कहाँ सीखा था उसने, सेंटेंस ये फिक्स है। इट वॉज दी ओनली थिंग सी हैड लर्न फ्रॉम दी कन्वेंट स्कूल, जो एक ही चीज था जो कन्वेंट स्कूल में उसने सीखा था। इसलिए आपका आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन में कुछ भी आपको हेल्प मिल जाए, आपको हिंट मिल जाए, वहीं से आप पकड़ लो, वहीं से आप आंसर करना स्टार्ट कर दो, आपके मैच कर जाएंगे आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर तीन में देखते हैं इसका क्या है। इन 1857 फाइटिंग ब्रोक आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या हुआ कि 1857 में फाइटिंग मतलब कि लड़ाई छिड़ गया, लड़ाई क्या हुआ स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या आपका हो सकता है, लास्ट में तो आपका ये है कि द रानी ट्रूप्स फॉट बैक ब्रेवरली। अब देखो यहाँ पर, अब ये सेंटेंस लास्ट का है, रानी के बारे में कहीं चर्चा होगा तो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या है, इसके बाद कौन सा हो सकता है, क्या हुआ, लड़ाई क्या हुआ छिड़ गया पूरे कंट्री में। एवरीवेयर द पीपुल रोज इन रेबेलियन, सभी लोग क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। बिल्कुल आपका इसके बाद हो सकता है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, पीस से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आप यहाँ देख लो कि इन मार्च 1857 ब्रिटिश। अब देखो सेंटेंस आपका अलग सेंटेंस यहाँ मीनिंग ले रहा है यहाँ पर, इसके बाद क्या यूज करोगे, अब अभी यूज नहीं करोगे इसका, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड बोथ साइड, जब दोनों तरफ लड़ाई होगा तभी तो दोनों तरफ ये मरेंगे लोग ना, ठीक है। लेकिन अभी आपका ये नहीं होगा, द ब्रिटिश फॉट बैक, मतलब कि जो ब्रिटिश लोग थे अब दोबारा वो लड़ाई स्टार्ट कर दिए, आपका यहाँ ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका बेस्ट मैच कर रहा है पी। अब पी वाला सेंटेंस आपका बस एक ही है, पी एस आर क्यू है, तो मेरा पी से स्टार्ट हो सकता है, अब पी से मेरा स्टार्ट हो सकता है, तो पी के बाद क्या एस मैच करेगा, मैच करवा के देख लेते हैं। एवरीवेयर द पीपुल रोज इन रेबेलियन, सभी जगह लोग क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे लोग। उसके बाद एस, द ब्रिटिश फॉट बैक, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर अभी इसके बाद मैच कर रहा है मेरा कि ब्रिटिश जो थे दोबारा अटैक कर दिए, दोबारा लड़ना स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल। उसके बाद आर, आर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड बोथ साइड, अब क्या हुआ, कंट्री से लड़ाई हुआ, अगर हुआ तो दोनों तरफ बहुत सारे लोग मारे गए, बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है मेरा मीनिंगफुल। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्यों मैच करेगा, क्यों क्या है, इन मार्च 1858 ब्रिटिश ट्रूप अटैक क्या हुआ, मार्च 1858 में ब्रिटिश ट्रूप अटैक किस पर कर दिए, तो झांसी पर अटैक कर दिए। तो झांसी किससे रिलेटेड है, रानी से ना, रानी झांसी ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आपका जो S6 जो फिक्स है ये लास्ट में है वही आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल बेस्ट मैच कर रहा है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है कि मशीन्स हैव पार्ट्स मेड ऑफ आयरन। मशीन में क्या है, मशीन है पार्ट्स होते हैं जो कि आयरन से बने होते हैं, ठीक है। दे मस्ट बी पेंटेड और क्रोम प्लेटेड। देखिए अब यहाँ पर क्या है, वो क्या मशीन के पार्ट क्या होना चाहिए,
सस्पेंडेड होना चाहिए। अभी मेरा मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ले सकता हूँ, पी से स्टार्ट कर सकता हूँ। आगे देख लीजिए क्या है कि सम पार्ट्स रब अगेंस्ट इस अदर। कुछ पार्ट जो होते हैं मशीन के एक दूसरे में क्या करते हैं, रब घिसाते हैं, रगड़ाते हैं, इसलिए क्या एक दूसरे में। देखो यहाँ पर भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है आयरन गेट्स रस्टेड। देखो यहाँ से भी आपका स्टार्ट हो सकता है, आयरन में क्या जंग लग जाते हैं। उसके बाद है दे मस्ट बी लुब्रिकेटेड विथ ऑयल एंड ग्रीस, यानी कि मशीन में क्या देना चाहिए, ऑयल एंड ग्रीस देना चाहिए, तब क्या होगा, क्या होगा ज़्यादा घसाएगा नहीं वो, ठीक है। देखिए अब क्या है कि आपका, देखो ये तो वर्ड फिक्स है आपका, वेन द मशीन इज नॉट यूज इट शुड बी कवर, जब इसका यूज नहीं होता है तो उसको कवर करना चाहिए। अब देख लो यहाँ पर मशीन्स है पार्ट्स मेड ऑफ आयरन। अब जो आयरन से बने होते हैं, उसमें जंग लग जाता है, रस्टेड हो जाता है, आपका आर से स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, क्योंकि इसके बाद सेंटेंस को ऐसा मेरा मैच नहीं कर रहा था, इसके बाद मैं फिट कर सकता था मैं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैं आर से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आर से स्टार्ट होने मतलब बस आपका एक ही है, तो आर के बाद पी ले लो। अगर आयरन मतलब क्या होता है, जंग लग जाते हैं, इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको इसके पेंट करना चाहिए। आयरन जब लगेगा, जंग लगेगा, तब तो पेंट किया जाएगा ना, तो इसमें जंग नहीं लगेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, आर के बाद पी हो जाएगा। आर के बाद पी भी दिया गया है। उसके बाद देखो अब क्या होगा, कुछ पार्ट जो होते हैं मशीन के एक दूसरे से क्या होता है, रब होता है, यानी कि घसाता है, घिसटाता है, इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको लुब्रिकेटेड करना चाहिए, किसे, ऑयल देना चाहिए, ग्रीस देना चाहिए, तो मशीन कुछ लाइफ रहेगा। बिल्कुल हो रहा है मेरा मैच, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल मैच कर गया, इसलिए क्या मशीन का जब यूज़ नहीं होगा तो उसको कवर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है रिगार्डलेस ऑफ दी हाईली अनस्टेबल, यानी कि देखो अनस्टेबल होने के बाद, बहुत अनस्टेबल यानी कि ऊपर नीचे होने के बाद भी क्या है, म्यूचुअल फंड आर स्टिल कंसिडर्ड, बिल्कुल ठीक हो सर, इतने अनस्टेबल होने के बाद भी क्या है, तो म्यूचुअल फंड क्या है, स्टिल कंसिडर्ड, यह ऐसा माना जाता है। देखिए पी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन देखिए आपका सेंटेंस तो ऑप्शन देख लीजिए, क्यू यानी कि क्यू यानी क्यू से आपका स्टार्ट होगा, पी से कभी लेना ही नहीं मुझे, ऑप्शन देखिए, यानी आप क्यू ले लो, यानी कि इसके बाद तो हमेशा क्या आएगा, क्यू ही आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में आपका क्यू ही है, तो क्यू हो गया। अब क्यू के बाद क्या हो सकता है, देखो आप क्यू पढ़ लो, अनस्टेबल नेचर ऑफ हाई रिस्क एंड रिवार्ड्स, क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाईली अनस्टेबल नेचर ऑफ हाई रिस्क, उसमें क्या होते हैं, हाई रिस्क भी होते हैं, रिवार्ड्स भी होते हैं, क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड्स आर स्टिल कंसिडर्ड, इतने रिस्क होने के बावजूद भी म्यूचुअल फंड क्या माना जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है, यानी कि देखो क्यू के बाद क्या लेंगे आप, पी लेंगे आप, क्यू के बाद देखो पी आपका बस स्टार्ट हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में, अब पी हो गया यहाँ पर, तो आर लेंगे, आर में मैच करेगा तो आंसर सही मेरा हो जाएगा। अब देखो इतने क्या माना जाता है, इतने ओपन हाई रिस्क होने के बाद, अनस्टेबल होने के बाद भी म्यूचुअल फंड क्या माना, क्या कंसिडर किया जाता है, एज अ वायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तब भी उसमें क्या होता है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत अच्छा अवसर होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, टू मेक सब्सटेंशियल गेन, अब जब इन्वेस्ट करेगा तभी तो उसको गेन होगा ना, लाभ होगा ना, यानी आर के बाद एस मैच कर गया मेरा, इन शॉर्ट टर्म में उसको अच्छा गेन हो जाता है, अच्छा लाभ मिल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पर बढ़िया से मैच कर गया। आज मैंने बस 5 क्वेश्चन लाया है, मेरे ख्याल से आपको ये बहुत आपको हेल्प हुआ होगा, तो इसलिए आप क्लास को लाइक कर सकते हो अभी, और सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आर्मी क्लर्क के लिए आप ई बुक भी ले सकते हो, इंग्लिश का, जीके का, मॉडल पेपर और कंप्यूटर ले सकते हो, इसका मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले सकते हो। साथ साथ आप आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका फ़ी अभी मात्र 500 है, और फी पेमेंट करके आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहीं पर पेमेंट भी हो जाएगा और क्लास वहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आज के बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।